नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी के पास खाने की ऑप्शंस बहुत कम हैं, तो हम लोग आ गए सापुर गांव में करीब 6 किलोमीटर बर्ड सेंचुरी से, और यहाँ पर है जय खोडियार होटल, जहाँ पे आपको मिल जाएगी फर्स्ट क्लास गुजराती थाली, टोटल विलेज स्टाइल, एकदम फ्रेश, हर रोज अलग अलग सब्जियाँ बनती हैं। लेकिन आज क्या है वो जाके देखते हैं अंदर। लेकिन उससे पहले देखिए जी, धूल मिट्टी गर्मी में थोड़ा हाल बुरा हो जाता है, थोड़ी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो अगर आपको फ्रेश फील करना हो, एकदम लाइवली फील करना हो, तो बेस्ट तरीका है जस्ट वॉश योर फेस। और जहाँ तक फेस को वॉश करने की बात आती है, वहाँ पर है मेरे पास वाओ ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। और अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल, फोमिंग फेस वॉश को आपने दबाया, खूब सारा आपने फोम निकाला, आह ऑल ओवर योर फेस। देखिए मेरी ऑयली स्किन जो है ना, दैट गेट्स रियली स्टिकी एंड यकी। और मेरे वाओ विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश में है विटामिन सी, यानी कि विटामिन सी के जो इफेक्ट्स हैं ऑन द स्किन, वो अभी भी डिस्कवर किए जा रहे हैं। इट्स रियली बेनिफिशियल और यूजफुल, और एकदम यू हैव टू बी वाओ नेचुरली, यानी कि एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है। तो अच्छे से आपने स्किन को रगड़ा, वाह वाह वाह, व्हेनेवर यू नीड मोर फोम देयर इज नो प्रॉब्लम। और ये हो गया आप बिल्कुल तैयार फॉर अ नाइस फेस वॉश। तो पानी बोतल से और फेस वॉश, नाइस एंड गॉन ऑफ योर फेस, लीविंग यू एब्सोल्युटली फ्रेश। और अच्छी बात यह है कि एक पॉजिटिविटी सी आती है फेस वॉश करने के बाद। मेरे वाओ विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश में जो विटामिन सी है, यह है पावर ऑफ नेचर। विटामिन सी की क्वालिटीज अभी भी समझी जा रही हैं कितनी बेनिफिशियल है स्किन के लिए। और बिल्कुल एकदम सिंपल तरीका है, फ्रेश लाइवली एंड हैप्पी स्किन जो आपको छोड़ती है क्लीन एंड फीलिंग गुड एंड एनर्जाइज्ड। आप में से जो भी ट्रैवलर्स हैं वो समझेंगे द पावर ऑफ अ सिंपल फेस वॉश। यानी बेशक आप मोटरसाइकिल पे हो, बाइक पे जा रहे हो, जहाँ पर धूल मिट्टी आपके वाइजर के थ्रू आ रही हो, या गाड़ी में हर 2-3 घंटे गाड़ी रोक के मेरे वाओ विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश से अपना मुंह धोइए, फील नाइस क्लीन एंड एनर्जाइज। और मेरा मैसेज तो यही है, बी वाओ नेचुरली। तो चलते हैं आगे, चल के देखते हैं क्या क्या एक्शन मिलता है हमको। और सबसे पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए क्योंकि भूख बहुत लग रही है। आई एम कमिंग, थाली निकालिए साहब। और अब एकदम फ्रेश और ताज़ा, और मुझे मिल गई है पहली बार इस जर्नी में गुजराती थाली। और गुजराती थाली क्या होती है, अगेन वेरी सिंपल, आइए, गुजराती दाल, हल्की सी मीठी सी, थोड़ा सा मक्खन उसके ऊपर, ये आलू की सब्जी और ये चने की दाल। और ख़ास बात इसकी है साथ में चावल और रोटी, चपाती, गेहूँ की चपाती, सब कुछ में थोड़ी सी मिठास, जैसे कि गुजरात में थोड़ा थोड़ा मीठा, थोड़ा थोड़ा तीखा, थोड़ा थोड़ा टेस्टी। और साथ में ऑफ कोर्स, क्योंकि यही रिवाज है इस एरिया का, तो ये हमेशा आपको मिलेगा, ये है गुड़, ये यहाँ वाइट कलर का गुड़। और जो इसकी मिठास है वो थोड़ी सी मिश्री जैसी मिठास, तो एक ज़्यादा वाइट है, ज़्यादा स्वीट है, ये बहुत अच्छा गुड़। जब आप खाना खाएंगे रोटी के साथ ज़रूर खाइएगा। और आपको टिपिकली मिल जाएगा ये सब कुछ, ये है आपकी गाजर कटी हुई, गोभी साथ में, हरी मिर्ची, तिल के दाने, प्याज, और साथ में कलरफुल फ्रायम्स, यानी थोड़ा क्रंची बंची माल, छास आपको हर जगह मिल जाएगी। और अच्छी बात यह है कि नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है, वहाँ पे जितने भी खाने की जगहें थी उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहाँ से बाहर कर दिया, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर एक तो नॉइज़ पोल्यूशन होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, गंद पड़ता है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया कि अब वो बाहर आ गई हैं, तो अंदर आपको जगह नहीं मिलेंगी, आपको बाहर मेन रोड पर आना पड़ेगा आगे पीछे ढूंढने के लिए। तो हम लोग आए करीब 6-7 किलोमीटर दूर नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी से, और वहाँ हमें मिला ये सब खाना। फूड वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी हार्टी, यहाँ के जो टिपिकल लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए खाना होना चाहिए गर्म, टेस्टी, और 2 मिनट में तैयार। आह हाँ हाँ, क्या स्वाद है चने की दाल का, मज़ा सा आ गया। जो एक टिपिकल विलेज फ्लेवर्स है ना इंडिया के, गुजरात इज़ नो एक्सेप्शन, दे आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आलू भी होलसम स्पाइसी, और दाल हल्की सी मीठी, वेरी वेरी सिंपल और बहुत टेस्टी फ्लेवर्स। तो खाने की जगह की सोल्यूशन अब आपके पास है, जब आप नाल सरोवर आएँ, चॉइसेस कम हैं, होटल्स अच्छे हैं नहीं रहने के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
और अब हम लोग चलते हैं आगे और ढूंढते हैं एक्शन नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी के अंदर।